नमस्कार दोस्तों, मैं जागृत फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल पृथ्वी बिल्डवेल पे। आशा करता हूँ आप सब सही हैं। मैं आपको आज जहाँ लाया हूँ वो है मोहन गार्डन उत्तम नगर में। ये जो यूनिट मैं दिखा रहा हूँ ये 30 फीट बाय 60 फीट के प्लॉट पे बना है, जिसका हर यूनिट का साइज 100 गज है और ये 3 BHK में है। जो ये यूनिट मैं स्पेसिफिकली आपको दिखा रहा हूँ ये फुली फर्निश्ड है, बट अगर आप चाहें तो आपको सेमी फर्निश्ड में भी मिल जाएगा। ये इस यूनिट के साथ साथ आपको कॉमन एरिया में लिफ्ट और पार्किंग दोनों चीज़ें मिलती हैं। आसपास में आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन 500 मीटर की दूरी पे है, द्वारका 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो द्वारका अगर 1 किलोमीटर की रेंज में है तो ऑब्वियसली वहाँ के मॉल, पार्क, स्कूल, सिनेमा सब आपके पास में ही है। चलिए दोस्तों, इस यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये यूनिट 100 गज में बना है और ये 3 BHK का यूनिट है। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं प्राइस रिलेटेड क्वेरीज के लिए, या अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं ये व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं हर एक बार बोलता जा रहा हूँ, हमारे चैनल से अगर कोई भी प्राइस यूनिट आप परचेज करते हैं तो बिल्कुल ब्रोकरेज नहीं देनी, वी आर प्योरली नो ब्रोकरेज फर्म। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब इसके टूर से। चलिए दोस्तों, वर्चुअल टूर तो आप देख चुके हैं, अब शुरू करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन से। जो लिविंग रूम है ये अपना 12 फुट बाय 18 फुट के लगभग एरिया में बना हुआ है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं हमने पूरा LCD पैनल दे रखे हैं और साथ में डिज़ाइनर कैबिनेट्स दे रखे हैं। हमारी तरफ से ये जितना भी आपको यहाँ आर्टवर्क दिख रहा है ये सब हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट है। साथ में हमने यहाँ पर वॉलपेपर की जगह पूरा डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स का बैकग्राउंड दे रखा है। ये पूरी एंटी स्क्रैच प्रूफ होती है और एंटी रेजिस्टेंट होती हैं, एंड दीज आर फुली ISI marked, verified। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं हमने पूरा फुली फर्निश्ड फ्लैट है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं हमने AC के भी पैनल दे रखा है। अगेन सेफ्टी हमारा सबसे बड़ा मेन कंसर्न रहता है, तो उस वजह से हमने यहाँ पे 5-core केबलिंग भी दे रखी है। यहाँ पर हमने इसका पावर का स्विच भी दे रखा है, यहीं से आपका AC का कनेक्शन हो जाएगा। इसके साथ हमने यहाँ पर इनबिल्ट आपके पूरा स्विचिंग सिस्टम भी दे रखा है। दोस्तों साथ साथ आप देख सकते हैं हमने लिविंग एरिया में भी फॉल सीलिंग दे रखी है, जिसमें LED कंसील लाइट्स और कॉब लाइट्स हैं। साथ में एक बहुत ही सुंदर ब्लूटूथ एनेबल्ड अपना शैंडेलियर है और साथ में आप देख सकते हैं फैंस और फैंसी लाइट्स भी लगी हुई हैं। दोस्तों इसके रूम के साथ साथ हमने यहाँ पर डाइनिंग एरिया भी दे रखा है। यहाँ पर आराम से 4 to 6 सीटर का आपका डाइनिंग टेबल लग सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ मंदिर भी बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार वास्तु के लिए भी जगह है मंदिर के लिए। साथ में आप देख सकते हैं ये पूरा रूम जो है, पूरा बिल्डिंग जो है, पूरा फ्लैट जो है फुली वेंटिलेटेड है, तो आपको सनलाइट से लेकर ताज़ी हवा तक का सारा प्रोविज़न दे रखा है। दोस्तों लिविंग रूम की जब बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ लिविंग रूम में वॉश बेसिन का भी प्रोविज़न दे रखा है, जिसमें अपने कैबिनेट्स आ जाते हैं जहाँ पर आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। नीचे ही पूरा अपना सारा बाथरूम फिनिश कर रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने सैनिटरी वेयर में बेस्ट इन क्लास इरोज और वरना दोनों का यूज़ किया गया है। साथ में सोप डिस्पेंसर भी हम आपको लगा कर देंगे। दोस्तों लिविंग एरिया के साथ हमारे पास यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम भी आ जाता है। वॉशरूम के अंदर आप देख सकते हैं हमने एग्जॉस्ट फैन का भी प्रोविज़न दे रखा है। साथ में एक कस्टम हैंडीक्राफ्ट के साथ आप देख सकते हैं बेसिन है और साथ में आपका एक कैबिनेट है जहाँ पर काफ़ी जगह है अपना सामान रखने के लिए।
दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हमने मार्बल पैनल्स लगा रखे हैं आपका ये शेल्फ की तरह। तो आप अपना यहाँ पे शैम्पू सोप जो चाहे वो यहाँ पे रख सकते हैं। कपड़े टांगने के लिए हमने यहाँ पर हुक भी दे रखे हैं और दरवाजे के पीछे भी आपको सेम चीज़ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों वॉशरूम के बाद अब हम बात करते हैं किचन की। किचन जो हमारा है ये 8x8 के स्पेस में बना है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसके साथ हम आपको आरओ सिस्टम देंगे पूरा। आरओ का आपका इनलेट हो गया, मोटर का पानी के लिए हो गया, गर्म और ठंडे पानी का भी कनेक्शन इसमें लगा कर दे रखा है। सेमी मॉड्यूलर किचन के फायदे हैं, आपको पूरे शेल्फ पहले से बने हुए मिलते हैं। इसमें काफ़ी स्पेस है आपका सारा सामान रखने के लिए, आपके बर्तन या बनाने की चीज़ों का सामान वो आप रख सकते हैं। ऊपर भी हमने शेल्फ दे रखे हैं जो बहुत स्पेशियस हैं। मैं आपको खोल के एक दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए कि स्पेस की तो कमी आपको होगी ही नहीं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे एक चिमनी भी लगा कर दिया जिसकी आपको एक साल की वारंटी भी मिलेगी। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं पीछे हमने मसालों के लिए पूरा, आप यहाँ पे छोटे मसाले जो हैं वो भी यहाँ पर शेल्फ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है और साथ साथ हमने यहाँ पर ओवन और माइक्रोवेव दोनों के लिए प्लग पॉइंट दे रखे हैं और उसके लिए काफ़ी स्पेस भी है। दोस्तों इसी के साथ आप यहाँ देख सकते हैं जो स्पेस है पूरी, यहाँ पर आपका डबल डोर फ्रिज आराम से आ सकता है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर मोटर का भी स्विच दे रखा है। फ्रिज के कनेक्शन की बात करें तो यहाँ हमने फिनोलेक्स के हमने सारे स्विचिंग कर रखी है, सारे जितने भी पैनल इलेक्ट्रिकल पैनल सब फिनोलेक्स के हैं और मेरे को ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए फिनोलेक्स के बारे में बताने की। दोस्तों शुरू करते हैं बेडरूम वन के टूर से। दोस्तों आप ये जो बेड देख रहे हैं ये अपना किंग साइज बेड है जो 6x6 फीट का है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं रूम इतना बड़ा है कि इतने बड़े बेड के बाद भी आपको आराम से वॉकिंग की भी स्पेस मिल जाती है और खड़े होने की भी स्पेस मिल जाती है। रूम में आप देख सकते हैं हमने दो प्रोविज़न दे रखे हैं एसी के, एक आपका स्प्लिट एसी का भी है और साथ में आपका यहाँ पर विंडो एसी का भी। आप देख सकते हैं दोनों के लिए हमने यहाँ पर प्लग पॉइंट दे रखा है। साथ साथ आप देख सकते हैं दोस्तों वॉल टू वॉल अलमीरा है। आप अपना सामान रखते रखते थक जाएंगे लेकिन जगह ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ देख सकते हैं हमने ऊपर भी स्पेस दे रखी है ताकि आप अपना सामान रख सकें और साथ में हमने यहाँ पर टीवी के लिए पूरा डिज़ाइनर पैनल्स भी बनवा रखे हैं। हाँ दोस्तों ये जितना भी वर्क है सारा वुड वर्क हो रखा है। आपकी स्पेसिंग के लिए कैबिनेट्स हमने बना रखे हैं, यहाँ पर आप अपना आर्टवर्क रख सकते हैं और 55 इंच तक का टीवी लग सकता है आराम से, जिसके लिए हमने यहाँ पर अगेन फिनोलेक्स के पूरी स्विच पैनल्स लगा रखे हैं। दोस्तों साथ साथ हमने वुडवर्क में यहाँ पर कंप्यूटर टेबल का भी प्रोविज़न किया। अगर यहाँ पर आप टीवी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर कंप्यूटर भी लगा सकते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर पूरा कंप्यूटर टेबल सेटअप भी लगा कर दे रखा है आपके लिए। साथ साथ देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही आपने एंट्री कर रखी थी हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कस्टमाइज वॉलपेपर भी दे रखा है और साथ में जो सीलिंग है वो भी इस रूम में फॉल सीलिंग है LED कंसील लाइट्स और कॉल लाइट्स के साथ। बेडरूम वन के बाद चलते हैं बेडरूम टू पे जो कि है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में हम आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने किंग साइज बेड लगा रखा है ताकि आप एक साइज़ का कंपैरिजन कर सकें। इसके साथ साथ हमने आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल दे रखा है जिसमें अगेन पूरा विंडो आपका शीशा मिलता है इसके साथ और साथ साथ आपको यहाँ पर कैबिनेट में शेल्फ में स्पेस भी मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने कस्टमाइज वॉलपेपर दे रखा है अगेन जिसके साथ फैंसी लाइट्स फॉल सीलिंग LED कंसील लाइट्स और कॉब लाइट्स तीनों चारों चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ दोस्तों हमने यहाँ पर सामान रखने के लिए कैबिनेट भी दे रखा है वार्डरोब जो भी बहुत स्पेशियस है और इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नीचे भी शू रैक के लिए भी जगह दे रखी है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें काफ़ी स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और साथ में दोस्तों पता है ऑफिस के बाद आपको सामान रखने के लिए जगह चाहिए, वो भी हमने यहाँ पर ओपन एरिया दे रखा है। शेल्फ डिज़ाइनर शेल्फ्स हैं, डिज़ाइनर कबर्ड्स हैं और डिज़ाइनर वुडवर्क हो रखा है सारा। अगेन पैनल सारा यहाँ है कमरे का और बिल्कुल एंट्रेंस पर भी मिल जाएगा आपको। अगेन जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क है मैं आपको पहले भी बता रहा था ये सारा फिनोलेक्स का है और दोस्तों मेरे को फिर बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं फिनोलेक्स कितनी बड़ी ब्रांड है। इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी के लिए भी हमने यहाँ पर वुडवर्क करके दे रखा है, पूरा डिज़ाइनर पैनल है, इसमें भी आराम से 55 इंच तक का टीवी लग सकता है। टीवी के लिए यहाँ पर स्विच पैनल्स दे रखे हैं, सामान रखने के लिए यहाँ पे वार्डरोब और कैबिनेट है और ऊपर भी बहुत जगह है और बहुत शेल्फ्स हैं सामान रखने के लिए। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर विंडो दे रखी है जिसमें मेश आयरन और ग्लास तीनों चीज़ों का प्रोविज़न है। इसी के ऊपर हमने यहाँ पर विंडो एसी के लिए भी प्रोविज़न दे रखा है जिसका अगेन पैनल आपको यहीं पर मिल जाएगा। दोस्तों मास्टर बेडरूम के साथ आप सब जानते हैं कि अटैच बाथरूम वॉशरूम तो चाहिए चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको इसका भी टूर करा दूं।
बाथरूम के अंदर जितना भी सैनिटरी वेयर है सब वरना और एरोस का है। अगेन इसके साथ भी आपको अटैच एग्जॉस्ट मिल जाएगा। वॉल टू वॉल टाइलिंग है और गीजर का भी हमने यहाँ पे सिस्टम प्रोविजन दे रखा है। वॉल टू वॉल टाइलिंग का दोस्तों आपको पता ही है, एक तो एस्थेटिक अपील अच्छी हो जाती है और क्लीनिंग में भी आसान हो जाती है। आप देख सकते हैं ये जितनी भी टाइल्स हैं ये सब डिजिटली विट्रीफाइड टाइल्स हैं और ये ISI अप्रूव्ड हैं। मास्टर बेडरूम के बाद दोस्तों चलो चलते हैं, देखते हैं अपना बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसमें बेड इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाए कि रूम एक्चुअली कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं रूम इज़ क्वाइट स्पेशियस। आपको पीछे एक डिज़ाइनर वॉलपेपर मिल जाता है, फैंसी लाइट्स मिल जाएंगी वॉल में। अगेन इस रूम में भी फॉल सीलिंग है जिसके साथ LED कंसील लाइट्स और फॉग लाइट्स मिलेंगी। फ़ैन की अटैचमेंट मिल जाएगी आपको और साथ साथ आपको यहाँ पर LCD पैनल के लिए भी जगह मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपका आराम से 62 इंच तक का TV आ सकता है जिसका अगेन हमने यहाँ पर आउटलेट दे रखा है, आपका इलेक्ट्रिकल वुडवर्क दे रखा है और वुडवर्क दे रखा है। वुडवर्क में आपके शेल्फ्स हैं और साथ में आपके स्टोरेज के लिए भी सामान रखने के लिए जगह है। यहाँ पर भी हमने कैबिनेट्स दे रखे हैं आपके सामान रखने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए 3 सिस्टम वेंटिलेशन दे रखा है, आपका मैश, आयरन और ग्लास सिस्टम का। दोस्तों इस बेडरूम के साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलती है और साथ ही साथ एक वार्डरोब भी मिलता है जिसके साथ आपको शूराग भी मिलेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बालकनी भी दिखा दूँ कि बालकनी कैसी दिखती है। बालकनी मिल जाती है जिसमें आपको आयरन केज मिल जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। फ्लोरिंग में वुडन टेक्सचर टाइल्स हैं जैसे रूम के साथ ही, बिल्कुल सेम टू सेम। और साथ में आपको यहाँ पर वॉशिंग एरिया मिल जाता है। वॉशिंग एरिया बता देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर वाटर का प्रोविज़न हो जाएगा और साथ साथ आपका वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्लग इन भी मिल जाएंगे। इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं बालकनी भी बहुत स्पेशियस है, आप आराम से यहाँ पर अपने कपड़े टांग सकते हैं, आराम से चल फिर सकते हैं और हाँ मौसम का मज़ा भी ले सकते हैं जैसे कि हम ले रहे हैं आज। दोस्तों इस रूम में भी हमने AC का प्रोविज़न दे रखा है, विंडो AC के लिए जगह है, उसका पैनल यहाँ दे रखा है और साथ में वार्डरोब में भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेशियस है। टूर के बाद मैं बता देता हूँ कुछ प्लस पॉइंट इस प्रॉपर्टी के। आपको इस प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी पर्पज़ से ऑडियो विजुअल यूनिट मिलेगा जो हर घर में लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं कौन बंदा गेट पर है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और इवन गेट ओपन क्लोज का भी ऑप्शन आपको उस पर प्रोवाइड होगा। इसके साथ दोस्तों आपको कॉमन एरिया में लिफ्ट और पार्किंग दोनों चीज़ें मिलती हैं। एंट्रेंस पे दोस्तों लोहे का गेट लगा हुआ, पूरा आयरन गेट, तो जान चली जाए लेकिन वो गेट ना टूटे, वो वाला कॉन्सेप्ट है पूरा। इसके साथ अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इवन टूर चाहते हैं इस बिल्डिंग का तो भी आप अपना कॉल करके एक टूर बुक कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं पहले से ही बता रहा हूँ, इस चैनल पर अगर कुछ भी परचेज होता है, इस चैनल से कुछ भी आप क्वेरी लेते हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं देनी, वी आर टोटली नो ब्रोकरेज फॉर्म। चलिए दोस्तों अब मैं करता हूँ थोड़ी मतलब की बात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।